नमस्कार दोस्तों, आज कुछ सवाल आपसे करूंगा और उम्मीद है आप ईमानदारी से अपने मन के अंदर उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, आप रात को तय करते हैं कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, 6 बजे अलार्म बजता है, आप अलार्म की घंटी बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं। आप सोचते हैं कि रोज मैं अच्छे ढंग से ब्रश करूंगा, 2 से 5 मिनट ब्रश करने में लूंगा, लेकिन ब्रश करते में आपको बोरियत होने लगती है। आप सोचते हैं कि आज नहीं, कल से अच्छे ढंग से ब्रश करूंगा। आप नहाने जाते हैं, आप सोचते हैं कि अच्छे ढंग से नहाऊंगा, अपने कपड़े खुद धोकर डालूंगा, लेकिन नहाते वक्त आपको बोरियत होने लगती है, आपको लगता है कि ऑफिस जल्दी जाना है। आप जल्दबाजी में नहाते हैं और कपड़े वैसे की वैसे छोड़कर आप बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों से आज अच्छे ढंग से बात करूंगा, पूरा समय उन्हें दूंगा, मोबाइल नहीं देखूंगा, लेकिन बच्चों से बात करते करते आपको कुछ याद आ जाता है, आप मोबाइल उठा लेते हैं, सोचते हैं कि 1 मिनट मोबाइल चेक करूंगा और फिर बच्चों से बात करूंगा, लेकिन आप मोबाइल में खो जाते हैं, बच्चे अपने काम में लग जाते हैं और 1 घंटा कैसे निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। आप घर से कार लेकर निकलते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी होती है, इसलिए आप रोड पर ही वाहन पार्क कर देते हैं। या आप अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के, आस पड़ोस के लोगों के गलत काम का विरोध नहीं करते? क्या आप गलत का साथ देते हैं, या कहीं गलत हो रहा है तो आप चुप बैठ जाते हैं? जो व्यक्ति गलत कामों में लिप्त है, क्या आप उसका तिरस्कार करते हैं? क्या आप उससे दूरी बना लेते हैं? क्या आप उसे यह एहसास कराते हैं कि वो गलत कामों में लिप्त है, इसलिए आप उसके साथ नहीं हैं? आप उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते, यानी आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं। मोहल्ले में कुछ गलत हो रहा है, जुआ सट्टा चल रहा है, अनैतिक कार्य हो रहा है। हो सकता है कि वो लोग बहुत सक्षम हो, बहुत शक्तिशाली हो, उनसे विरोध लेना व्यवहारिक रूप से सही नहीं हो, लेकिन क्या आप उस गलत कार्य की गोपनीय ढंग से जानकारी लेकर पुलिस को या संबंधित एजेंसी को जानकारी देते हैं? आप अपने घर से कचरे का डिब्बा लेकर निकलते हैं, पास ही में कूड़ादान है, लेकिन कूड़ेदान में कचरा डालने की बजाय आप उससे पहले ही कचरा डाल देते हैं। आप आज का काम अक्सर कल पर टाल देते हैं। आप अक्सर ये मानते हैं कि समस्या की जड़ कोई और है, समस्या किसी दूसरे में है। आपका कोई काम करता है, आपकी कोई मदद करता है, आप उसे धन्यवाद देने में, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में कंजूसी करते हैं। आप जो भी चीज चाहते हैं, आप ये उम्मीद करते हैं कि वो चीज आपको कम दाम में मिल जाए, आपको प्राप्त ज्यादा हो और आपको मूल्य कम चुकाना पड़े। कम में ज्यादा हासिल करने की आपकी हमेशा इच्छा रहती है। मित्रों, ऐसी कई बातें जो हमारे जीवन में होती रहती है, ऐसे कई सवाल हैं जो आप खुद लिख सकते हैं, उन सवालों को आप जनरेट कर सकते हैं, और उन सवालों के जवाब यदि ना में है, यदि नकारात्मक जवाब है, तो जरा सोचिए आप किसे धोखा दे रहे हैं, आप किसका नुकसान कर रहे हैं। आप अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन आपके कर्तव्य क्या है इस समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने आप के प्रति? और आप अपने कर्तव्यों का
अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे, आप अपनी आदतों के शिकार हैं, आप उस साइकिल का पैडल चला रहे हैं जिसकी चैन उतरी हुई है, आपका जीवन वहीं की वहीं थमा हुआ है। अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप को धोखे में मत रखिए। इस विषय पर आगे मैं और चर्चा करूंगा। दिव्य जीवन आंदोलन, इसका मकसद है नैसर्गिक नियमों के प्रति सचेत हो जाना, प्राकृतिक नियमों के प्रति सचेत हो जाना, दिव्य जीवन की ओर कदम रखना और उसके लिए अपनी आदतें, अपना व्यवहार ठीक करना पड़ेगा।